Hello everyone, welcome to Free Study. So the last video for August 2019 current affairs compilation, and today we will do 15 pages, so 180 to 195 pages we are going to do today. Okay, and mainly there are facts for prelims. So before that, if you are new to the channel, please aap subscribe karein channel ko and also press the bell icon so that you can get the notification. And we have also started a series of ancient India and medieval India on my channel from Tamil Nadu textbook. Do watch those videos also. Okay, so जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मर आईएएस ऑफिसर को डिटेन किया गया था अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट. तो जम्मू एंड कश्मीर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसको एसेंट मिला जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर से अप्रैल 8, 1978 को. ये जो एक्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था एक टफ लॉ की तरह ताकि वहाँ पर टिम्बर की स्मगलिंग रोकी जा सके एंड जो स्मगलर्स हैं वो आउट ऑफ सर्कुलेशन ना हो पाए. जो लॉ है वो गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, जो भी 16 साल से ऊपर हो, बिना किसी ट्रायल के फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स. पीएससी अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिटेंशन अप टू 2 ईयर्स. और अगर कोई पर्सन एक्ट करता है इन एनी मैनर विच इज़ प्री जुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर डिटर्मिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर सिक्योरिटी के लिए है तो 2 साल और अगर पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है तो 1 साल. जो डिटेंशन ऑर्डर्स होते हैं उन्हें डिविजनल मैनेजर्स या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो इशू कर सकते हैं. सेक्शन 22 प्रोटेक्शन देता है इन गुड फेथ, अगर एक्ट जो है वो गुड फेथ में लिया गया है. एंड सेक्शन 23 जो है वो मतलब ऑब्जेक्ट्स कैरी आउट करने के लिए बताता है. ठीक है, नाउ ये जैकोनियन लॉ क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर देखिए वही है कि अगस्त 2018 में इसको अमेंड भी किया गया था कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी डिटेन किया जा सकता है अंडर द पीएसए आउटसाइड द स्टेट एज वेल. देन इसमें कोई अथॉरिटी फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करती. जो टर्म्स हैं वो काफ़ी वेग हैं कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में कि प्रिजुडिशियल आपने काम किया या पब्लिक ऑर्डर के, तो कुछ क्लियर नहीं है. तो जो वेगनेस है वो अनब्रिडल्ड पावर दे देती है अथॉरिटीज़ को. एंड कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है डिटेंशन का, तो इससे प्रोलोंग्ड डिटेंशन होती है पीपल की. एंड जो राइट टू डिसेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, स्टिफल्ड होता है इस एक्ट से, क्योंकि ये जो एक्ट है ज़्यादातर जैसे इसके नेगेटिव में आपको लिखना होगा कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के अगेंस्ट, जर्नलिस्ट, सेपरेटिस्ट एंड अदर्स के अगेंस्ट लिया जाता है. नाउ इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशियन रीजन, तो जो कैपेबिलिटीज़ हैं इंडियन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन, ये इनहेंस कर दी गई अंडर द NMDA प्रोजेक्ट, दैट इज़ नेशनल मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस. एंड इसको लॉन्च किया गया विद द विजन ऑफ PM ऑन सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. IFC IOR इसी विजन से इस्टेब्लिश हुआ है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे रीजन एंड बियॉन्ड में. एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया एट द गुरुग्राम IMAC, दैट इज नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, ताकि जो टाइमलाइन पिक्चर है हमारे यहाँ की 7500 जो मीटर कोस्ट लाइन है वो मिल सके. एंड इस सेंटर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वाइट शिपिंग के बारे में, कॉमर्शियल शिपिंग के बारे में, वो बाकी कंट्रीज के साथ भी एक्सचेंज हो सकेगी, जिससे कि इंडियन ओशियन की अवेयरनेस भी बढ़ेगी. तो ये एक सीमलेस एक्सचेंज है, गुरुग्राम के अंदर ये खुला है. एंड डाटा शेयर किया जाएगा वर्चुअल मीन से, टेलीफोन कॉल से. इससे जो ऑफिसर्स होंगे फॉरेन कंट्री से उनको भी क्विक इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड ये ट्रेनिंग भी देगा मैरीटाइम इन्फॉर्मेशन के लिए. सो IFC IOR स्ट्रेंदर करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी को रीजन में एंड एक मैरीटाइम सिचुएशन प्रैक्टिस को भी हेल्प करेगा. इंडियन ओशियन को इम्पॉर्टेंट है, अगेन वी हैव डन दिस. नाउ वी विल डू द फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स. तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी BCCI ने, जो BCCI है वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के एम्बिट के अंदर आ गई है. नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो थी वो रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरह सेटअप की गई थी. किसके अंडर? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1890 के अंदर ऑन November 24, 2005, ताकि डोप फ्री स्पोर्ट्स हो सकें. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? जो डोपिंग रूल्स हैं, एंटी डोपिंग रूल्स, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, डोप प्रोग्राम्स को कंट्रोल किया जा सके. देन NAFED, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है डेली सप्लाई ऑफ ऑनियंस अपने बफर स्टॉक से
विद एनएफ्ट, नेफ्ट क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो 1958 में बना था, ये रजिस्टर्ड है अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, एंड ये इसीलिए सेटअप किया गया था ताकि कोऑपरेटिव मार्किंग को प्रोमोट किया जा सके ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स. एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं वो मेन मेंबर्स हैं एनएएफडी के, जिनके पास अथॉरिटी है टू से इन द फॉर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द जनरल बॉडी इन द वर्किंग ऑफ नेफ्ट. तो मेन एम यही है कि मार्केटिंग एंड सबको डेवलप किया जाए. देन खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, तो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसको सेटअप किया जाएगा 3 और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के पार्टिसिपेशन के साथ. तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं नालको, नेशनल एलुमिनियम कंपनी, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, देन MECL, दैट इज मिनिस्टर मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, एंड MECL दैट इज़ मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड. ऑब्जेक्टिव यही है कि कंसिस्टेंट सप्लाई होती रहे क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की टू द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट. तो ये जो काबिल है ये मिनरल सिक्योरिटी देता है नेशन को, एंड जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल कर रहा है. नाउ फंक्शंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन, एक्विजिशन, एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड माइनिंग करना स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की, ताकि कमर्शियल यूज़ भी हो सके एंड साथ में कंट्री की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके. साथ ही साथ में ये पार्टनरशिप भी बिल्ड कर रहा है विद अदर मिनरल रिच कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका. नाउ वी विल रीड अबाउट ITLU, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो. ITLU दैट इज इसरो से आपको ध्यान रखना है आई, एंड टेक्निकल लाइजन यूनिट. तो यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, ये मॉस्को रशिया के अंदर खोला जाएगा. ये तीसरा ऐसा यूनिट है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑलरेडी इंस्टीट्यूट कर चुका है इसे एट वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स एंड पेरिस फ्रांस के अंदर, ताकि जो गवर्नमेंट है एंड जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर काम किया जा सके. नाउ रिजर्वेशन जॉब्स इन फैक्ट्रीज फॉर लोकल्स इन गोवा. तो गोवा जो है वो 80% जॉब्स जो हैं वो फैक्ट्रीज में रिजर्व करने जा रही है लोकल पीपल के लिए. एंड ये जो प्लान है ये आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली से आया है, जिन्होंने लास्ट ही वीक, क्योंकि ये अगस्त के करंट अफेयर्स है, AP एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज बिल पास किया था, जिसमें एम्प्लॉयमेंट दी गई थी 75% कैंडिडेट्स को. नाउ उड़ीसा टू सेटअप मैरीटाइम बोर्ड. तो एक प्रपोजल आया है कि उड़ीसा मैरीटाइम बोर्ड बनाया जाए, ताकि जो कंट्रोल किया जा सके, मैनेज किया जा सके नॉन मेजर पोर्ट्स को एंड नॉन नेशनलाइज्ड इनलैंड वाटरवेज को. तो सिंगल विंडो फैसिलिटेटर की तरह ये काम करेगा, क्योंकि उड़ीसा में, ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है, 480 किलोमीटर, एंड काफ़ी रिच, यूनिक एंड नेचुरल पोर्ट लोकेशंस हैं इसकी. नाउ केरला कैबिनेट अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन ड्राइवर्स फॉर गवर्नमेंट PSU व्हीकल्स. तो ये पहली बार हुआ है जहां पर केरला गवर्नमेंट ने, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने वुमेन को अलाउ किया हो कि वो गवर्नमेंट व्हीकल्स चला सकती हैं. तो केरला गवर्नमेंट ने ये जो अप्रूवल है इसे मीन्स इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है. नाउ मेघदूत, मेघदूत एक मोबाइल ऐप है जो कि फार्मर्स को हेल्प करेगी 150 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ताकि वो टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, इन सब कंडीशंस को पहले से ही देख सकें. ये जो ऐप है ये इसी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, जैसे इमेजेस, मैप्स, पिक्चर्स फार्मर्स को, ताकि उनके पास एक क्लियरर पिक्चर हो कि स्टोर में क्या है. एंड इसको इंटीग्रेट किया जाएगा व्हाट्सएप एंड फेसबुक के साथ भी. इसे एक्सपर्ट्स ने डेवलप किया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने. नाउ ई रोजगार समाचार, जो ई वर्जन है मीन्स नेट के थ्रू रोजगार समाचार, ये लॉन्च करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ इंग्लिश का वर्जन है, ये एक फ्लैगशिप वीकली जॉब जर्नल होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. नाउ व्हाट इज शगुन, शगुन जो है वो एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन है स्कूल एजुकेशन. शगुन ये एक इनिशिएटिव है ताकि स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके. एंड जो शगुन है वो टू वर्ड से निकला है, दैट इज शाला, शाला मीन्स स्कूल, एंड गुणवत्ता, गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी.
नौ कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन, तो सातवां कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ऑर्गेनाइज किया, जहां पे सभी रेडियो स्टेशंस के जो पार्टिसिपेशन है उसको विटनेस किया जाएगा। थीम इसका ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी रेडियो फॉर SDGs मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नाउ ई कोर्स मिलेगा ऑन वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया, इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑफर करेगी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली के साथ मिलकर, एंड बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल के साथ मिलकर, दैट इज BMTPC। ये एक यूनिक कोर्स है जो कि अवेयरनेस देगा, अंडरस्टैंडिंग देगा कि किस तरीके से नेचुरल हैजार्ड्स जो होते हैं वो डैमेज करते हैं। प्रोजेक्ट श्योर, श्योर प्रोजेक्ट भी एक कमिटमेंट है इंडिया की अपैरल इंडस्ट्री का, इंडिया फैशन इंडस्ट्री के लिए। एंड श्योर का जो फुल फॉर्म है वो है सस्टेनेबल रिजोल्यूशन, जहाँ पे कार्बन एमिशंस को कम करने की बात कही जा रही है, मीन्स एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। ओके, देन नो इंडिया प्रोग्राम, तो इंडिया प्रोग्राम जो है वो फ्लैगशिप है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जहाँ पे इंडियन ओरिजिन जो यूथ है 18 से 30 साल, उनकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इन्हांस करनी है अबाउट इंडिया, इंडिया का कल्चरल हेरिटेज के बारे में, आर्ट के बारे में। एंड इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एंड इंग्लिश बोलने की एबिलिटी होनी चाहिए। एप्लीकेंट जो है वो इंडिया आ सकता है किसी भी प्रीवियस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू भी, एंड जो विजिट नहीं हुए हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। नाउ वी विल रीड अबाउट संसाधन हैकेथन, तो संसाधन हैकेथन एक इनिशिएटिव है ताकि जो लोग हैं डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन जो हैं, उनकी मदद की जा सके स्मार्टर टॉयलेट्स बनाकर, एसेसिबल करके उन्हें। संसाधन हैकेथॉन एक इनिशिएटिव है ताकि जो पर्सन्स हैं विद डिसएबिलिटीज़ उनकी लाइफ इजी बन सके, उनके लिए स्मार्टर टॉयलेट्स हों, एसेसिबल हों, इजी हों यूज़ करने के लिए। तो गवर्नमेंट एक स्मार्ट, स्केलेबल एंड एक इनोवेटिव सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रही है फॉर इकोनॉमिकल टॉयलेट्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी यूज़। इसे स्टार्ट किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़ किसके साथ मिलकर, एम अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ मिलकर, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, एंड 91 स्प्रिंग बोर्ड के साथ भी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ बायोमेट्रिक सी फेयरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो इंडिया पहली कंट्री बन गया है जो कि बायोमेट्रिक सी फेयरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को इशू करेगा, जिससे जो फेशियल बायोमेट्रिक डाटा है सी फेयरर्स का वो कैप्चर हो पाएगा। हर इंडियन सी फेयरर जिसके पास एक वैलिड कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया हो, वो एलिजिबल है फॉर अ इशू ऑफ BSID। तो इसके अंदर एक बायोमेट्रिक चिप होगी एंड टू ऑप्टिकल सिक्योरिटी फीचर्स भी होंगे, माइक्रो प्रिंट्स एंड यूनिक ग्यूलोच पैटर्न। नाउ भारत रत्न, तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने श्री रामनाथ कोविंद जी ने भारत रत्न अवार्ड दिया श्री नानाजी देशमुख को, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका को एंड श्री प्रणब मुखर्जी को। तो भारत रत्न एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर, 1954 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। हर पर्सन इसके लिए एलिजिबल है बिना किसी रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन एंड सेक्स के डिस्टिंक्शन के। कोई भी रिटर्न प्रोविजन नहीं होता है कि भारत, मतलब भारत रत्न सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। एंड ये अवार्ड किया जाता है अगर किसी ने भी ह्यूमन एंडेवर की फील्ड में कुछ भी अच्छा काम किया है, एंड फॉर एग्जांपल इन आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विसेज। एंड दिसंबर 2011 में जो क्राइटेरिया था, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, इसको इंक्लूड किया गया था। आर्टिकल 18 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो अवार्ड है ये कुछ भी रिसिपेंट के नेम के आगे प्रिफिक्स या सफिक्स नहीं लगाएगा। वो मीन्स अपने जो आपने आर्टिकल 18 पढ़ा होगा ना, जैसे आपका अनटचेबिलिटी है, ओके 17 इज अनटचेबिलिटी एंड योर 18, आर्टिकल नंबर 18 इज रिलेटेड टू टाइटल्स। ओके, सो नाउ वी विल रीड अबाउट विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। तो नीति आयोग ने चौथा एडिशन जो है विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स लॉन्च कर दिया है। ये UN के साथ मिलकर किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि जो इंडिया के अंदर विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके। इस साल की जो थीम है वो है विमेन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है नीति आयोग का, ताकि प्रमोट एंड सपोर्ट किया जाए एस्पायरिंग एंड एस्टैब्लिश
एस्टैब्लिश्ड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को। इसमें 5,000 से भी ज़्यादा वीमेन एंटरप्रेन्योर्स रजिस्टर्ड हैं, 30 से भी ज़्यादा पार्टनर्स हैं एंड $10 million से भी इसके अंदर फंडिंग है फॉर दीज स्टार्टअप्स। नाउ मैग्सेसे अवार्ड, तो आपको पता होगा एमिनेंट जर्नलिस्ट रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड मिला। मैग्सेसे रमन मैग्सेसे अवार्ड है क्या, ये एशिया का हाईएस्ट ऑनर है एंड नोबल प्राइज के ही बराबर माना जाता है इस रीजन में। 1957 में इसे इस्टेब्लिश किया था ट्रस्टी ऑफ न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड रॉकेफेलर ब्रदर्स फंड एंड फिलिपिन गवर्नमेंट ने, ताकि जो फिलिपींस के जो थर्ड प्रेसिडेंट थे रमन मैग्सेसे उनको याद किया जा सके। ये हर साल दिया जाता है इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को एशिया रीजन से फॉर देयर एल्ट्रुइस्टिक एंड फिलेंथ्रॉपिक सर्विस। इसके अंदर जो मेडेलियन बियरिंग है, ठीक काइन जो लाइकनेस थी ऑफ द लेट प्रेजिडेंट रमन मैग्सेसे, कैश प्राइज एंड एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। ओके तो एक मेडल है जिसके अंदर फोटो भी है उनकी। देन बेविन अवार्ड, तो कंजर्वेशनिस्ट विवेक मेनन ने क्लार्क बेविन अवार्ड जीता। बेविन अवार्ड एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट फॉर वाइल्ड लाइफ देती है लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। ठीक है, नाउ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स अनाउंस कर दिए गए हैं, हर साल दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है जिसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही हो। अर्जुना अवार्ड दिया जाता है जिसने 4 साल तक अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। द्रोणाचार्य दिया जाता है कोचेस को। ध्यानचंद दिया जाता है जिसने लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूट किया हो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उन एंटिटीज़ को दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है जिन्होंने स्पोर्ट को प्रमोट किया हो या डेवलप किया हो। माका ट्रॉफी, जो ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में, वो है आपकी माका ट्रॉफी, दैट इज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। नाउ UAES हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जैद, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को ऑनर किया गया, उन्हें ऑर्डर ऑफ जैद UAE से मिला, जो कि वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड ये अवार्ड जो है वो शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पे है, जो कि फाउंडिंग फादर थे UAE के। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। ओके 7 अगस्त को क्यों, क्योंकि 1905 को स्वदेशी जो मूवमेंट थी, 7 अगस्त 1905 को ही मीटिंग जब कैलकटा के टाउन हॉल में हुई थी, वहीं पे डिसाइड किया गया था कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को रिवाइव एंड प्रोडक्शन मीका करेंगे। वुमेन्स इक्वालिटी डे ये 26 अगस्त को मनाया जाता है एंड क्योंकि 19वीं अमेंडमेंट हुई थी USA के अंदर जिसमें इक्वल राइट्स मिली थी वुमेन को कि उनके पास भी राइट टू वोट है। वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस ऑन काइंडनेस, तो पहला वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस काइंडनेस का वर्ल्ड का है लेकिन हुआ न्यू दिल्ली में। इसे यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट MHRD ने ऑर्गेनाइज किया। इसका एम यही है कि कॉम्पिटेंसीज बनी रहें, एम्पैथी बनी रहे एंड जो यंग लीडर्स हैं 27 कंट्रीज़ में से, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। थीम इसकी थी वसुधैव कुटुंबकम, गांधी फॉर द कंटेम्पररी वर्ल्ड सेलिब्रेटिंग द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ताकि जो यूथ लेड कैपेसिटी है वो बढ़ सके, एक जनरेटिव स्पेस जहाँ पे एक्सपर्ट पैनल्स होते हैं, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो इंस्पायरिंग एक्ट्स होते हैं काइंडनेस के उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। पब्लिसिटी रथ, रथ एक व्हीकल है जो कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा बिहार स्टेट गवर्नमेंट के वाटर रिसोर्सेज स्कीम्स के बारे में एंड बताएगा कि किस तरीके से वाटर को सेव एंड कंजर्व किया जा सकता है। ये जो व्हीकल है अवेयरनेस क्रिएट करेगा ऑन द जल जीवन हरियाली वाटर लाइफ ग्रीनरी कंपेन विया ऑडियो विजुअल मीडियम। जो पब्लिसिटी रथ है वो पीपल को अवेयर करेगी कि ग्राउंड वाटर ही एक ऐसा सोर्स है, अगर कम बारिश होती है तो पीपल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। नाउ वन महोत्सव, वन महोत्सव एक एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है। 1950 में इसे स्टार्ट किया था KM मुंशी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर एंड फूड के। इसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाती है इन द माइंड ऑफ पीपल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज। आदि महोत्सव ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड का। तो थीम है इसकी अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट
कल्चर एंड कॉमर्स, ये सर्विस प्रोवाइडर एंड मार्केट डेवलपर का रोल प्ले करेगा। महोत्सव के अंदर डिस्प्ले करना, सेल करना ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम्स को, ट्राइबल मेडिसिन को फ्रॉम 23 स्टेट्स। एंड इसका जो नेम है आदि महोत्सव, उससे पता चलता है कि आदि फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। नाउ नवरोज फेस्टिवल, पारसी का न्यू ईयर फेस्टिवल न्यू ईरानियन कैलेंडर को की बिगनिंग को मार्क करता है। वाइल द बल्कन्स, कोकासस एंड द मिडल ईस्टर्न्स सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को 21 मार्च को, जो कि फर्स्ट डे होता है ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर का। इंडिया के अंदर जो अनदर वर्जन है फेस्टिवल का, दैट इज़ फॉलोड अकॉर्डिंग टू शहनशाही कैलेंडर एंड फॉल्स ड्यूरिंग द लेटर मंथ्स ऑफ द ईयर। एंड पटेती, ऑल्सो नोन एज पटेती, नवरोज जो है वो हर साल इंडिया में 17 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे जमशेद ई नवरोज भी कहा जाता है, क्योंकि जो पर्शियन किंग थे जमशेद, उन्हें ही क्रेडिट किया जाता है कि पर्शियन कैलेंडर, जिसको शहनशाही कैलेंडर भी कहा जाता है, उनका क्रेडिट इन्हें ही दिया जाता है क्रिएट करने का। जो टाइम है फेस्टिवल का वो ईरान में डिसाइडेड है एंड देन इट इज़ पास्ड ऑन टू द एंटायर ज़ोरास्ट्रियन पॉपुलेशन। श्यामोली, श्यामोली एक हेरिटेज हाउस है रविन्द्रनाथ टैगोर का एंड इसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। श्यामोली एक एक्सपेरिमेंटल मड हाउस है जो कि शांति निकेतन में बनाया गया था 1935 में। इसको रेनोवेट किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एंड ये प्रॉपर्टी है विश्व भारती की एट प्रेजेंट। नो समर्थ, तो समर्थ जो है वो फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया ताकि इंडियन आर्टिशंस वीवर्स इन्हें सपोर्ट किया जा सके एंड ये भी अपने प्रोडक्ट्स इंटरनेट पे सेल कर सके। व्हाट इज़ बुद्धा नुल्हा, तो ओरिजिनेट हुआ है एट विलेज कूम कलान ऑफ लुधियाना एंड 47 किलोमीटर से ये रन कर रहा है टिल वालीपुर कला वेयर इट मर्जेस विद रिवर सतलेज। और ये जो स्ट्रीम है इसके अंदर फ्रेश वाटर आता है जिसे पहले कहा जाता था बुद्धा दरिया एंड ओवर द ईयर्स जो नेम है वो चेंज हो गया बुद्धा नल्हा के अंदर ड्रेन के अंदर ड्यू टू इट्स सीवेज इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट जो कि इसके अंदर डंप किया जाता है। ऑपरेशन नंबर प्लेट, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन नंबर प्लेट जो है वो स्टार्ट कर दी है ताकि जितने भी व्हीकल्स रेलवे प्रेमिसेस में होते हैं एंड अगर वो नो पार्किंग एरियाज में भी हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी, दैट इज़ कोरस, कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी लॉन्च किया गया ताकि रेलवे सिक्योरिटी के चैलेंजेस को मीटअप किया जा सके। ये मोटिवेटेड एंड विलिंग यंग स्टाफ है आरपीएफ का, आरपीएसएफ का, एज इनमें ज़्यादातर यंग पीपल होते हैं 30 to 35 ईयर्स एंड बहुत ही हाई फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए इसको मीट करने के लिए। नाउ फलक, तो ईरान ने अनवील किया है अपना इम्प्रूव्ड रेडार एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है फलक। ये एक मोबाइल रेडार है, एक व्हीकल हाउसिंग है जो कि अब व्हीकल हाउसिंग का कंट्रोल रूम इम्प्रूव्ड वर्जन है गामा का, विच इज़ अ सिस्टम ऑफ रशियन ओरिजिन। इसकी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर 250 माइल्स तक है। नाउ बवार 373, तो ये भी ईरान का नया होम ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम है। इस्लामिक रिपब्लिक फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी रेंज है। बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी, तो ध्यान रखिएगा ये पाकिस्तान की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है एंड 290 किलोमीटर्स तक ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉरहेड्स को डिलीवर कर सकती है। शाहीन 8, तो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बायलेटरल एयर एक्सरसाइज शाहीन 8 ईगल 8 की चाइना के सिटी हॉल्टन के अंदर ताकि इंटरऑपरेबिलिटी दोनों कंट्रीज़ के बीच में बन सके एंड क्लोज रिलेशनशिप बन सके ऑल वेदर अलाइज के बीच में। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो यूएस के फेडरल रिजर्व ने अनाउंस किया है क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट कट इन इंटरेस्ट रेट्स एंड ये फर्स्ट कट है बाय द यूएस सेंट्रल बैंक इन 11 ईयर्स। जो रेट कट आया है यूएस में ये गुड है फॉर द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज एंड जैसे कि इंडिया जहाँ पे हाई इन्फ्लेशन है, हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, तो एफआईआई से बोरो मनी कर सकते हैं एंड द यूएस एट लो इंटरेस्ट रेट्स इन डॉलर टर्म्स एंड फिर उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इन बॉन्ड्स ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया ताकि हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाया जा सके। तो यूएस फेड कट इट्स इंटरेस्ट रेट्स, तो जो डिफरेंस होगा दोनों कंट्री के बीच का जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होगा वो बढ़ जाएगा एंड इंडिया ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस बनेगी फॉर करेंसी कैरी ट्रेड। नाउ व्हाट इज़ ग्लोबल रिसेशन,
तो रिसेशन रिसेंटली ही एक इकोनॉमी के अंदर हैपन होता है जब भी आउटपुट टू सक्सेसिव क्वार्टर्स मतलब 6 मंथ्स तक डिक्लाइन हो। ग्लोबल रिसेशंस के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक IMF जो कि देखती हैं सिर्फ वीकनेस ही नहीं देखती बल्कि वो इम्पैक्ट भी देखती हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डिमांड ऑफ ऑयल। ग्लोबल ग्रोथ एवरेज रेट 3.5% है एंड जो रिसेशन होगा तो 2.5। वट इज़ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व? तो ये एक प्रोविजन होता है जो हर इंडियन कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करती है उन्हें एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होता है ताकि उनके इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिले कि कंपनी डिफॉल्ट होगी तो एटलीस्ट दे हैव सम मनी। ये जो प्रोविज़न है ये कंपनी एक्ट 1956 में डाला गया था, फिर 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया अमेंडमेंट करते हुए। अब ये न्यूज़ में क्यों है? गवर्नमेंट ने जो DRR की रिक्वायरमेंट है वो टू लिस्टेड कंपनीज़ के लिए NBFCs एंड HFCs सॉरी मैंने कंपनीज़ कह दिया NBFCs के लिए एंड HFCs के लिए रिमूव कर दी है कंपनीज़ रूल को अमेंड करके। तो ये जो मेज़र है ये गवर्नमेंट ने इसलिए लिया ताकि जो कैपिटल उठाती हैं कंपनी थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स वो थोड़ा कम किया जा सके। व्हाट इज़ एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व? तो इन्वर्जन जो फैक्टर है पर्टिकुलरली स्पूकिंग द मार्केट इन रिसेंट डेज दैट इज़ द इन्वर्जन ऑफ यील्ड कर्व इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यील्ड कर्व एक ग्राफ होता है जो कि रिलेशनशिप को शो करता है कि कितना इंटरेस्ट रेट अर्न किया अलग अलग ड्यूरेशन पे मनी लैंड करने से। नॉर्मली जब कोई गवर्नमेंट के पास जाता है या कॉरपोरेशन या कोई कॉरपोरेशन फॉर 1 ईयर तो वो लोअर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट करते हैं देन समवन हु लैंड फॉर 5 और 10 ईयर्स मेकिंग द यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। US के अंदर रिसेंट डेज में 10 ईयर बॉन्ड रेट जो है वो फॉल हुआ टू द पॉइंट एट विच 10 ईयर रेट इज़ बिलो द 2 ईयर रेट्स। सो यील्ड कर्व क्या हो गया? इन्वर्टेड। नाउ इंग्लिश चैनल फ्रेंच इन्वेंटर ने क्रॉस कर दिया इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, ये सेपरेट करता है आइलैंड ऑफ ब्रिटेन को नॉर्दर्न फ्रांस से एंड ज्वाइन करता है नॉर्थ सी को अटलांटिक सी से। 350 माइल लंबा एंड इसका जो नैरो वेस्ट है वो है स्ट्रेट ऑफ डॉवर के अंदर। ये आप देख सकते हैं, दिस इज योर इंग्लिश चैनल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंग्लिश चैनल। ओके एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रांस है एंड ये आपका UK है, ठीक है, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ये स्ट्रेट ऑफ डॉवर है। नाउ बाल्टिक नेशंस, तो वाइस प्रेसिडेंट ने कंक्लूड की ट्राई नेशन टूर टू द बाल्टिक नेशंस लिथुएनिया लेटविया एंड एस्टोनिया। इट्स इज़ अ जियो पॉलिटिकल टर्म जो कि टिपिकली यूज़ की जाती है 3 सॉवरन स्टेट्स को बताने के लिए इन द नॉर्दर्न यूरोप ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी, एस्टोनिया लेटविया एंड लिथुएनिया। जो तीनों कंट्रीज़ हैं उनका कोई ऑफिशियल यूनियन नहीं है बट वो इंगेज है इन इंटर गवर्नमेंटल एंड पार्लियामेंट्री कॉपरेशन। जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं कॉपरेशन के वो है फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, डिफेंस, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। सभी तीनों कंट्रीज मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन की, नाटो की, यूरोजोन की एंड OECD की। तीनों क्लासिफाइड है एज हाई इनकम इकोनॉमीज बाय द वर्ल्ड बैंक और ये हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बनाती हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर बाल्टिक सी के साथ में आप देख सकते हैं लिथुएनिया है, लाटविया है एंड एस्टोनिया है। ओकजोकुल ग्लेशियर, तो आइसलैंड का ओकजोकुल ग्लेशियर जो है इट हैज़ बिन कमेमोरेटेड विथ प्लैक एंड ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ डेड इन 2014 जब कोई भी व्हेन इट वाज नो लॉन्गर थिक इनफ टू मूव। मांग डेचू प्रोजेक्ट, तो जब भूटान में सेकेंड विजिट पर गए तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया मांग डेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये 720 MW रन ऑफ रिवर पावर प्लांट है जो कि मांग डेचू रिवर पर बना है इन द ट्रोंगसा जोंगखेग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल भूटान एंड इट इज़ वन ऑफ द 10 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो कि प्लान हुआ अंडर द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान इनिशिएटिव टू जनरेट 10,000 MW हाइड्रो पावर बाई 2020 विद सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। नाउ कृष्णा टेम्पल इन बहरान, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया एक रेनोवेशन प्रोजेक्ट ऑफ $4.2 मिलियन फॉर द आइकॉनिक श्री कृष्णा टेम्पल इन बहरान। ये 200 साल कंप्लीट कर दिए इस टेम्पल ने इस साल एंड 1817 के करीब ये बना था एंड इट वाज बिल्ट बाय द ताथाई भाटिया हिंदू कम्युनिटी एंड ये कंसीडर किया जाता है फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट इन द गल्फ कंट्रीज।
नाउ राइस बाउल ऑफ कर्नाटका, जो तुंगभद्रा कमांड एरिया है जो 10 लाख एकड़स के अंदर फैला हुआ है इन कोप्पल, बलारी एंड रायचूर डिस्ट्रिक्ट्स, वो उसको कहा जाता है राइस बाउल्स ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे हाई क्वालिटी सोना मसूरी राइस होता है जो कि ग्रेट डिमांड में रहता है। क्राइसिस में इसीलिए यह है क्योंकि टीबी डैम क्या हो गया है, सिंक। नाउ इंडोनेशिया न्यू कैपिटल, कैपिटल जो है इंडोनेशिया की जो कि जकार्ता है वो रिलोकेट करने जा रहे हैं टू द प्रोविंस ऑफ ईस्ट कलिमंटन ऑन द लेसर पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ बोर्नियो। जो रिलोकेशन है उससे बर्डन जो है जकार्ता पर वो कंप्लीट होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत पुअर क्वालिटी एयर हो गई है, ट्रैफिक ग्रिड लॉक्स हो गए हैं एंड फ्लडिंग से भी वो कभी भी जूझ सकते हैं। तो लार्जेस्ट इंडोनेशियन सिटी भी है जहाँ पे पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है एंड नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के अंदर आती है। मोस्ट पॉपुलर आइलैंड भी है इन द वर्ल्ड जावा। तो आप देख सकते हैं जकार्ता से ईस्ट कलिमंटन की बात चल रही है। गोगा बील इज बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व। तो गोगा बील एक ऑक्सबो लेक है बिहार के कतिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो स्टेट का पहला कम्युनिटी रिजर्व बन गया है। गोगा बील फॉर्म हुआ फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर महानंदा एंड कंखाड़ इन द नॉर्थ एंड गंगा इन द साउथ एंड ईस्ट। ये 15वां प्रोटेक्टेड एरिया है इन बिहार। स्पेशल टाइगर फोर्स फॉर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो स्पेशल टाइगर फोर्स बनाएंगे फॉर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ताकि इलीगल ह्यूमन इंट्रूजन ना हो सके। स्टेट्स विद मोस्ट डेंस ट्री फॉरेस्ट कवर, डाटा रिलेटेड टू फॉरेस्ट कवर रिसेंटली पार्लियामेंट ने शेयर किया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो असेसमेंट्स हैं वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने की एंड इसे पब्लिश किया गया इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर। लास्ट रिपोर्ट जो थी वो 2017 में पब्लिश की गई थी। टोटल फॉरेस्ट कवर, तो ध्यान रखें टोटल फॉरेस्ट कवर, देखिए चाहते तो हम 33% हैं लेकिन है कितना, 24.49%। जो लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर है वो है हरियाणा के अंदर, ओनली 6.79%। पंजाब के बाद इसके बाद 6.87% है, राजस्थान के अंदर 7.26% है, मध्य प्रदेश के अंदर 27.73। हाईएस्ट 97% है लक्षद्वीप के अंदर, 30 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एंड जो हाईएस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 6 स्टेट्स में है उनमें से 4 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट में हैं, दैट इज़ मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड मेघालय। और बाकी 2 स्टेट्स हैं गोवा और केरला में जहाँ पे 50% से भी ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के अंदर इंक्लूडेड है। ज्योग्राफिकल एरिया के टर्म्स में अगर देखें तो हाईएस्ट ट्री और जो फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। नाउ साइट स्कॉप 9 2019, तो एशियन के स्मॉल क्लॉन्ड और एक स्मूथ कोटेड ओटर्स इंक्लूड किए गए अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में। IUCN स्टेटस जो है थ्रेटन स्पीशीज का, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है इन द वाइल्ड मीन्स वल्नरेबल है। प्रपोजल जो था वो दिया था बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड फिलीपींस ने। तो ये अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 1 जो थ्रेटन्ड होती हैं विद एक्सटिंक्शन एंड सिर्फ जो ट्रेड होता है वो स्पेसिमेन ऑफ दीज स्पीशीज में ही होता है, ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अपेंडिक्स 2 जो कि नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन हो, बल्कि अनलेस द ट्रेड इज़ क्लोजली कंट्रोल्ड, इसके अंदर लुक अलाइक स्पीशीज भी आते हैं। अपेंडिक्स 3 के अंदर रिक्वेस्ट ऑफ पार्टी पे होता है। नाउ रिपोर्ट ऑन इलीगल ग्लोबल ट्रेड इन टाइगर्स बाय ट्रैफिक, तो एक नई रिपोर्ट ट्रैफिक ने कंपाइल की, एक एनजीओ है ये जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ मिलकर काम कर रही है एंड IUCN के साथ। जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं 2359 टाइगर्स सीज्ड हुए फ्रॉम 2000 टू 2018 अक्रॉस 32 कंट्रीज़। एवरेज में 60 सीजर्स को रिकॉर्ड किया गया हर साल एंड हर साल 124 टाइगर्स को सीज किया जा रहा है। नाउ टॉप 3 कंट्रीज जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीजर इंसिडेंट्स हैं वो है इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया। अगर बॉडी पार्ट्स को देखा जाए तो इंडिया का हाईएस्ट शेयर है। स्टार टॉर्टोइज अदर्स गेट हाइयर प्रोटेक्शन एट साइट्स। इंडिया का जो प्रपोजल था कि जो स्टार टॉर्टोइजेज हैं, स्मूथ कोटेड अदर्स हैं, ऑटर हैं एंड स्मॉल क्लोड ऑटर हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसे अप्रूवल मिल गया है। अब ये अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में आ जाएंगे एंड इन्हें हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन भी मिलेगा। न्यू बरोइंग फ्रॉग स्पीशीज
कन्फर्म्ड इन झारखंड। तो झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर नई स्पीशीज कन्फर्म की गई है। ये जो फ्रॉग था ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 2015 में, एंड इसको नेम किया गया एज स्पैरो थेका मगध, बिकॉज जो इसका कॉमन नेम है मगध बरोइंग फ्रॉग उससे भी इसको जाना जाएगा। ये फ्रॉग एंडेमिक है टू एग्रीकल्चरल एरियाज इन नवादी एंड जोंगी विलेज ऑफ झारखंड कोडेरमा डिस्ट्रिक्ट। जो फ्रॉग है वो न्यू स्पीशीज है जीनस स्पैरियो थेका का, एंड 10 अदर स्पीशीज आर फाउंड इन साउथ एशिया। नाउ आनंदंस डे गेको किनिमेसिस क्निमेस्पिस अनंदानी, दैट इज आनंदंस डे गेको, एक पहला मोस्ट रिसेंट डे गेको है जो कि नीलगिरीज के अंदर फाउंड हुआ। वेस्टर्न घाट्स में ये एंडेमिक है। 42 mm इसका साइज है। नाउ दो नए स्पीशीज मिले फ्रेश वाटर फिश के, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स में पाया। इनके नाम है ग्लिप्टोथोरेक्स गोपी, न्यू स्पीशीज है कैटफिश का, एंड ये मिजोरम की कलादान रिवर के अंदर पाया जाता है। डार्क ब्राउन है, एंड जो गर्रा सिंबल बरेनिसिस है ये हिमाचल प्रदेश की सिंबल बरा रिवर के अंदर पाया जाता है। येलोइश ग्रे कलर है इसका। फिश भी जो कि लेस देन हो 7 meters आर हिल स्ट्रीम फोना एंड आर इक्विप्ड विद स्पेशल मोर्फोलॉजिकल फीचर्स टू सूट रैपिड वाटर फ्लो। नए स्पीशीज मिले हैं मारमोसेट डिस्कवर्ड इन द अमेजन, तो एक रिसर्चर ने डिस्कवर किए न्यू स्पीशीज ऑफ मार्मोसेट, एक टाइप ऑफ प्राइमेट है इन द ब्राजीलियन अमेजोन, एंड इसका जो हैबिटेट है वो फेस कर रहा है फ्लड ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। जो नेम है मिको मुंदरू रुकू, ये अवार्ड किया गया था, दिया गया था मार्मोसेट को आफ्टर द मुंदू रुकू अमेरिडियंस विच आर नेटिव टू द रीजन। नाउ अद्रा तिकलित बोलाफिया, तो ये नए स्पीशीज है स्टेगोसोरस का, डेटेड टू 168 मिलियन अगो ईयर्स अगो, सबसे पुराना डायनासोर्स का मेंबर है। फर्स्ट स्टेगोसोरस जो थे वो नॉर्थ अफ्रीका में पाए गए थे, देन इसे मिडल एशियाटिक माउंटेन्स के अंदर भी पाया गया। दे आर आर्मर्ड एंड हर्बीवोरस, ये गोंडवाना के सुपर कॉन्टिनेंट में रहते थे जो कि लेटर स्प्लिट हो गए अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में एंड एंटार्क्टिका में। तरंतुला, तो रेयर तरंतुला विलीपुरम रीजन के अंदर देखा जाता है, पक्कामलाई रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है, बिलोंग करता है जीनस पॉइसिलोथेरिया को, एंड जिसे पिकॉक पैराशूट स्पाइडर या गुटी तरंतुला भी कहते हैं, एपिडेमिक है। तो ये आप देख सकते हैं कैसा बना हुआ है। व्हाट इज कॉप्रोलाइट, तो कॉप्रोलाइट भी कुछ फॉसिल फेसेस है बिलोंगिंग टू एनिमल्स जो कि काफी सालों से जी रहे हैं। नाउ जीआई अटल फॉर डिंगीगुल लॉक एंड कंदाकनी साड़ी, तो तमिलनाडु से दो नए प्रोडक्ट्स, एक तो डिंगीगुल लॉक और एक कंदाकनी साड़ी, इनको जीआई टैग दे दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने चेन्नई में। जो डिंडीगुल लॉक्स हैं दे आर नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर देयर सुपर क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, एंड जो कंदाकनी साड़ी है वो शिव गंगा डिस्ट्रिक्ट के कराईकुडी तालुक के अंदर बनाई जाती है। पलानी पंचमृतम, तो जो फेमस पलानी पंचमृतम है दैट इज गिवन एज प्रसादम एट द मुरुगन टेम्पल एट पलानी, उसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, एंड ये पहला टाइम है कि टेम्पल का जो प्रसादम है तमिलनाडु से उसे भी जीआई टैग मिला है। जो पंचमृथन है वो कॉम्बिनेशन है 5 नेचुरल सब्सटेंसेस का। सो नाउ बीटी काओ पी, तो नाइजीरिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने ओपन कल्टीवेशन जेनेटिक मॉडिफाइड बीटी काउपी को अलाउ कर दिया है। तो बाय काउपी जो कि पास पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, सॉरी पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, एंड इससे माल न्यूट्रिशन रेट्स भी कॉम्बेट किए जा सकते हैं खास करके बच्चों में। इसमें ट्रांसजीन CRY1AB भी है जो कि टॉक्सिक है ह्यूमन लीवर सेल्स के लिए, एंड इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है लैब एनिमल्स का वो भी ऑल्टर किया जा सकता है। नाउ वी विल रीड अबाउट गोल्डन बटरफ्लाई वेराइटी टी, तो ये न्यूज़ में क्यों है, गुवाहाटी के जो टी ऑक्शन सेंटर है उन्होंने एक नई इंटरनेशनल हिस्ट्री बनाई 1 kg ऑफ गोल्डन बटरफ्लाई टी सेल करके एट अ वोपिंग ₹75,000। गोल्डन बटरफ्लाई एक स्पेशलिटी टी है, इसे प्रोड्यूस करते हैं डाइकॉम टी एस्टेट नियर डिब्रूगढ़, एंड गोल्डन बटरफ्लाई जो है वो टी बर्ड्स से मिलकर बनी हुई है ना कि टी लीव से। नाउ 4 नए प्रोडक्ट्स जिन्हें जीआई टैग मिला,
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में आता है, उन्होंने रजिस्टर किए 4 न्यू GIs, एक तो पलानी पंचामृतम, ओके, जो कि पलानी टाउन डिंगीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से है, देन तोल लो पुआन एंड मिजो पुएनचेई फ्रॉम द स्टेट ऑफ मिजोरम, देन थर्ड इज टेरूर बिटल लीफ फ्रॉम केरला। व्हाट इज सेरिसिन? तो सेरिसिन सिल्कवर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, ये एक सिल्क प्रोटीन है, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होता है, अदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं अमीनो एसिड के कॉम्पोजिशन एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर डिपेंड हैं, ये वेरी करते हैं विद द सोर्स ऑफ सिल्कवर्म्स एंड देयर अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है ऑन द लेंथ ऑफ सेरिसिन पेस्टिसाइड्स। इसे यूज़ किया जा सकता है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, एडेमा, एराइथिमा, सनबर्न, प्री मेच्योर एजिंग, रिंकलिंग एंड स्किन कैंसर। नाउ मार्स सोलर कंजंक्शन, नासा का जो क्यूरियोसिटी थी रोवर एंड इनसाइट लैंडर के लिए बिटवीन 28 अगस्त एंड 7 सेप्टेम्बर, उसे ही कहा गया है मार्स सोलर कंजंक्शन। इस टाइम पे मार्स और अर्थ जो होते हैं वो सन के अपोजिट साइड में होते हैं। सन एक्सपेल्स हॉट एंड आयनाइज्ड गैसेस फ्रॉम इट्स कोरोना जो कि फार है फ्रॉम स्पेस, एंड सोलर कंजंक्शन के टाइम पे जो गैस है वो इंटरफेयर करती हैं रेडियो सिग्नल्स के साथ। जब इंजीनियर्स कोशिश करेंगे कम्युनिकेट करने की स्पेसक्राफ्ट से एट मार्स, करप्टिंग कमांड्स एंड रिजल्टिंग इन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। जब मार्स डिसअपियर होता है फार इनफ बिहाइंड द सन्स कोरोना, एक इंक्रीज रिस्क होता है रेडियो इंटरफेरेंस का एंड इंजीनियर्स होल्ड ऑफ ऑन सेंडिंग कमांड्स। हर साल 2 बार सोलर कंजंक्शन होता है। नाउ वी विल रीड अबाउट सी डॉट्स लेटेस्ट इनोवेशंस। तो सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट ने अपना लेटेस्ट इनोवेशन सी सेट फी, दैट इज सी डॉट सेटेलाइट वाईफाई, जेड जी स्पॉन, 10G सिमेट्रिकल पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क एंड सी डॉट्स इंटरऑपरेबल सेट ऑफ बॉक्स लॉन्च कर दिया है। ये वायरलेस एंड सेटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर बेस होगा। इस पे के लिए कोई एक्सपेंसिव सेटेलाइट फ़ोन नहीं चाहिए, वो वाईफाई इनेबल्ड फ़ोन पर ही काम कर सकता है। ओके, देन सी डॉट्स, तो ध्यान रखिएगा यही दो नेम, XGSPON एंड इंटरऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स। व्हाट इज़ ए नोटिफिएबल डिसीज़? कोई भी डिसीज़ एंड जो लॉ के अकॉर्डिंग जिसे रिपोर्ट करना पड़े गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, दैट इज़ अ नोटिफिएबल डिसीज़। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन ने 1969 में इसके बारे में बताया था। नाउ सेंटर ने नोटिफाइड की हैं कुछ डिसीजेज जैसे कि कॉलेरा, डिप्थीरिया, एनसीफेलिटिस, लेप्रोसी, ठीक है, मेनिंगटिस, पेटूसिस, प्लैग, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, हेपेटाइटिस, देन मीजल्स, येलो फीवर, मलेरिया, डेंगू। किस कंट्री में सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं? देखिए इंडिया में तो आई थिंक 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, एंड 2019 जो है वो ईयर रहा लैंग्वेजेस का। एंड जो पपुआ न्यू गिनिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग इंडिजीनियस लैंग्वेजेस पाई गई। आई थिंक मैंने एनसीईआरटी में ही पढ़ा है कि 1600 लैंग्वेजेस हैं, बट आई डोंट थिंक इफ दे आर रिकॉग्नाइज्ड। तो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस पपुआ न्यू गिनिया के अंदर 840, इंडिया 4th नंबर पे आया है 453 से। एथनोलॉग जो कि डायरेक्टरी है लैंग्वेजेस का, 711 लिविंग लैंग्वेजेस है, चाइनीज, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, अरेबिक, ये वाइडली स्पोकन है। 2016 में जो यूएन का परमानेंट फोरम था इंडिजीनियस इश्यूज, उसने पॉइंट आउट किया था कि 40% जो है एस्टिमेटेड 6700 लैंग्वेजेस वो डेंजर में है कि वो डिसअपियर हो जाएंगी। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस इनडेंजर्ड भी हैं, एंड जैसे कि टिनीगुआ जो कि कोलंबियन ओरिजिन से है। यूनेस्को के एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस इन डेंजर के अकॉर्डिंग 2 to 8 लैंग्वेजेस 1950 से एक्सटिंक्ट भी हो गई हैं। बोको हरम, तो बोको हरम एक वॉयलेंट इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है जो कि नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया से वेस्ट अफ्रीकन नेशंस नाइजर, छड एंड कैमरून के अंदर आए। 2000 में बोबो हरम एक इमर्ज्ड हुआ नाइजीरिया के अंदर एक छोटा सुन्नी इस्लामिक सेक्ट जो कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है इस्लामिक लॉ का। इसे ऑफिशियली कहा गया जामा अल सुन्ना ली दावा वा अल जिहाद, जो कि बोको हरम का ही निकनेम है, एंड निकनेम तो नहीं है, बोरो हरम निकनेम है। ओके, नाउ टाइम लिस्ट ऑफ 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, तो इंडिया का स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड सोहो हाउस मुंबई का, ये भी टाइम लिस्ट में आए।
एंड जो लिस्ट है वो बताती है प्लेसेस टू विजिट, टू स्टे, टू ईट एंड टू ड्रिंक. तो जो नॉमिनेटेड प्लेसेस हैं वो 5 फैक्टर्स पे देखी जाती हैं, क्वालिटी, ओरिजिनलिटी, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड इन्फ्लुएंस. नाउ हु वॉज पैंग्लोस? तो प्रोफेसर पैंग्लोस जो थे वॉज अ करेक्टर इन कैंडिड ओ यू आई ऑप्टिमिसिस, एक नोवल था जिसे पब्लिश किया था फ्रेंच एनलाइटनमेंट फिलोसोफर फ्रेंकोइस मैरी एरियोट वोल्टेरे ने इन 1759. एंड ही वॉज कन्विंस दैट ऑल इज फॉर द बेस्ट इन दिस बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स. तो एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म थे, इन्हें आरबीआई गवर्नर ने मेंशन किया अभी अपनी रिसेंट स्पीच में. नाउ द लास्ट टॉपिक, व्हाट इज फ्लोकोनो सी ही फिली केशन? तो ये वो एक्शन है, एक हैबिट है कि जब आप किसी चीज़ को वर्थलेस समझ लें. तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने मेंबर चेतन घाटे, नाउ बाय शशि थरूर अर्लियर. तो घाटे जो वर्ड है, इन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया गया कि कुछ इकोनॉमिस्ट के लिए जो कि डाउट्स उठा रहे थे अबाउट द इंडियाज़ जीडीपी एस्टिमेट्स. सो थैंक यू सो मच. आई नो दिस वॉज अ लॉन्ग पीडीएफ, 195 पेजेस का पीडीएफ करना विद इन 7 डेज हमने किए इसके अंदर, क्योंकि जो फैक्ट्स और प्रिलिम्स होता है इसमें टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसको 7 डेज में लग गए. अदरवाइज हम 30 पेजेस पर डे कर रहे हैं तो 6 डेज के अंदर भी नहीं हो पाता, क्योंकि 15 तो पेजेस फिर भी हमारे बचे जाते. तो हमने अपना टारगेट अचीव किया है एंड अब हम सितंबर के करंट अफेयर्स जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे. उसमें आई थिंक 145 ही पेजेस हैं. अब आपका जून से लेके, वो करने के बाद आपका जून से लेके जनवरी तक का करंट अफेयर डन है, ठीक है. नेक्स्ट मंथ में आपको फेब का एंड मार्च का करंट अफेयर मिल जाएगा. इसके साथ साथ आपको तमिलनाडु की क्लास 11th की हिस्ट्री कराई जा रही है, प्लीज़ आप उससे भी सपोर्ट करें. एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें. एंड थैंक यू सो मच.